Hello students, welcome to physics class. In today's lecture we will discuss about stress strain curve, or you can say behavior of metallic wire under increasing load. तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा. स्ट्रेस होगा वाई एक्सिस में, स्ट्रेन होगा एक्स एक्सिस में. एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनाना होगा और आपको पांच पॉइंट्स बनाना होगा, ए बी सी डी ई. पॉइंट्स ए को बोलता है इलास्टिक लिमिट. इस पॉइंट तक ग्राफ का जो ग्राफ होगा, लाइन जो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा. और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा. दैट मीन्स क्या होगा, तुम्हारा हुक्स लॉ ओबेड होगा. जब स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होता है तो हुक्स लॉ ओबेड होता है, तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. पॉइंट ए के बाद आप पॉइंट बी देख रहे हैं. पॉइंट बी में क्या होगा, उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट. अगर आप किसी वायर से लोड को हटा देगा तो वायर अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है अप टू पॉइंट बी. फिर पॉइंट सी, बी के बाद अगर आप वायर से लोड को हटा देगा फिर भी वायर अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका होता है. फिर सी के बाद आपको एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा. टोटली स्ट्रेट नहीं होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा. पर इस केस में हुक्स लॉ ओबेड नहीं होगा. हुक्स लॉ मीन्स स्ट्रेस इज नॉट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अगर ओबेड नहीं होगा तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस क्या बनाएगा, बहुत हाई लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा. अगर बहुत कम स्ट्रेस लगाएगा फिर भी स्ट्रेन बहुत लार्ज प्रोड्यूस होगा. फिर आया पॉइंट डी. पॉइंट डी को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. इस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट के बाद अगर आप बहुत माइनर सा स्ट्रेस भी अप्लाई करेगा तो बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. रिड्यूस अप्लाइड स्ट्रेस में भी लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. और पॉइंट हुआ पॉइंट ई. पॉइंट ई को बोलता है फ्रैक्चर पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट द मेटेलिक वायर ब्रेक्स, वायर टूट जाता है इस पॉइंट पे, तो इसे बोलता है फ्रैक्चर पॉइंट. तो देखते हैं वर्डिंग में कैसे लिखकर आ रहा है. फर्स्ट है इलास्टिक, ए के लिए इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के लिए ए के लिए. एज शोन इन द डायग्राम ऑन इंक्रीजिंग लोड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जब इस लोड को बढ़ाना है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर है. एंड अप टू ए ग्राफ, ए अप टू ए ग्राफ इसे स्ट्रेट लाइन, तो ए तक ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है. इट मींस दैट अप टू ए हुक्स लॉ इज ओबेड. तो जिसका मतलब है कि हुक्स लॉ ओबेड होगा क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है. एंड दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. तो ए को बोलता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. ए के बाद वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. Beyond a graph is not a straight line, but if the load is removed from the wire returns to its original shape and size. Therefore, B is called elastic limit. A के बाद graph straight line नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा curve है. पर अगर आप load को हटा देगा तो जो वायर होगा वो अपना original shape को regain कर देगा. तो इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट. इसके बाद वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा. बियॉन्ड पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल एट सी, पॉइंट बी के बाद मान लीजिए एक सी कोई पॉइंट है. इफ द लोड इज रिमूव्ड, द वायर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द वायर. Therefore, the material is said to have permanent set. B के बाद अगर आप लोड हटा भी देगा तो वायर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका होता है. तो उसे कहते हैं पॉइंट सी को, इसलिए कहते हैं परमानेंट सेट. Beyond पॉइंट सी अगेन द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट डी. पॉइंट सी के बाद डी तक कुछ
लगभग स्ट्रेट लाइन है, नियरली टोटली स्ट्रेट है पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है. बट हुक्स लॉ इज नो लॉन्गर ओबेड, लेकिन यहाँ पे हुक्स लॉ ओबेड नहीं होगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा. इन दिस रीजन स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस में हल्का सा चेंज भी स्ट्रेन में लार्ज चेंज इन स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा. तो इसके बाद होगा नंबर अपना अब हमको लिखाना है नंबर डी पॉइंट डी तो हमारा होगा 8.5. नंबर 5 एट पॉइंट डी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज लार्ज चेंज इज प्रोड्यूस इवन बाय ए रिड्यूस्ड स्ट्रेस. तो इस पॉइंट डी को बोलता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. इस पॉइंट में क्या होता है, बहुत छोटा अगर बहुत ही कम स्ट्रेस भी डालेगा तो भी बहुत लार्ज चेंज होगा. इधर में कम डाल रहा था पर इधर में और कम डाल रहा है, फिर भी हमारा स्ट्रेन में लार्ज चेंज होगा. और लास्ट है हमारा पॉइंट ई. पॉइंट ई को बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट. पॉइंट ई इज कॉल्ड पॉइंट ई इज द फ्रैक्चर पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट द मेटेलिक वायर ब्रेक्स. तो पॉइंट ई को बोलता है फ्रैक्चर पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा वायर ब्रेक हो जाता है. और इसका एक कंडीशन है, अगर इफ द सेपरेशन बिटवीन, जो ग्राफ में डी और ई का जो सेपरेशन है बिटवीन डी एंड ई इज स्मॉल वेरी स्मॉल देन द मटेरियल इज ब्रिटल. अगर बहुत छोटा सा सेपरेशन होगा तो मटेरियल ब्रिटल होगा. एंड इफ द सेम होगा सेपरेशन बिटवीन डी एंड ई इज लार्ज देन द मटेरियल इज डक्टाइल. ब्रिटल इन द सेंस ब्रिटल मीन्स अगर कोई मेटल का हल्का सा मोड़ देगा टूट जाएगा थोड़ा बड़ा भी मोड़ देगा. डक्टाइल मीन्स आप कुछ ज्यादा हद तक भी मोड़ने से भी नहीं टूटेगा. तो ये किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन डी एंड ई जो ग्राफ में दिखाया डी एंड ई. अगर सेपरेशन लार्ज होगा तो डक्टाइल और सेपरेशन स्मॉल होगा तो ब्रिटल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.